बाजार के प्रमुख इंडेक्स जून के अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 9% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। इस दौरान 40 कंपनियों के शेयरों ने 20-50% रिटर्न दिया है। अभी भी एस&पी 500 के 90% शेयर हरे निशान में है। निफ्टी इस साल 17 जून को 15,191 अंक पर आ गया था। गुरुवार यानी 20 जुलाई को ये 16,600 पर पहुंच गया। ये 1400 अंक का उछाल है। इस दौरान बीएससी 50,900 से 55,600 पर पहुंच गया है। इसमें 4,600 अंक की तेजी आई है। बीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप की भी इस तेजी में हिस्सेदारी रही है। दोनों में करीब 14-14% की तेजी आई है। ग्लोबल मार्केट में रिकवरी की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में रिकवरी में सुधार हुआ है। क्रूड की कीमतों में स्थिरता आई है। विदेशी इन्वेस्टर्स की बिकवाली की रफ्तार भी सुस्त पड़ी है। इधर DIIs की अच्छी खरीदारी जारी है। 17 जून से आई तेजी में हर सेक्टर की हिस्सेदारी रही है। ऑटो, बैंक, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, FMCG, इंडस्ट्रियल, पावर और रियल्टी के शेयर 10-16% तक चढ़े हैं। JM फाइनेंशियल सर्विसेज में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश पारेख ने कहा कि विदेशी इन्वेस्टर्स की बिकवाली के बीच DIIs की अच्छी खरीदारी जारी है, इसलिए बिकवाली का ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इधर पिछले 5 साल में बैंकों और कंपनियों की बैलेंस शीट में सुधार आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऑयल की कीमतों में उछाल को छोड़ दें तो डोमेस्टिक कंडीशन अच्छी है। PMI, टैक्स कलेक्शन, CPI, इन्फ्लेशन में कमी से इसके संकेत मिलते हैं। डेट और GDP का रेशियो करीब 90% है। विदेशी मुद्रा भंडार भी अच्छे लेवल पर है। बीएससी 500 के 40 शेयरों में एक महीने में 20-50% की तेजी आई है। ITI, अडानी ट्रांसमिशन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और शोभा के शेयरों की कीमतें 40-50% तक बढ़ी हैं। इस दौरान CH, अनुपम रसायन इंडिया, अडानी टोटल गैस, KRBL, SBI कार्ड, एस्टर DM हेल्थ केयर, ग्रानुल्स इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, जुबिलेंट इंजर्विया, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, मिंडा कॉर्पोरेशन और रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज के शेयरों में 25-30% की तेजी आई है। FIIs के रुख में बदलाव दिखा है। पिछले साल अक्टूबर के बाद से उन्होंने करीब 3.8 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। इस दौरान बड़ी गिरावट के बाद शेयरों की कीमतें अट्रैक्टिव लेवल पर आ गई हैं। पिछले 3 सत्रों में FIIs ने इंडियन मार्केट में खरीदारी की है। शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।